नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं शोभा देवी, पति नायक संजय गुप्ता, जो आर्मी से हैं, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी गया बिहार से। ये हमारे भारतीय सेना के नायक संजय सिंह की पत्नी, जो कि अभी सेना में कार्यरत हैं, ऑन ड्यूटी हैं, और ये उनके गांव बिहार में रह रही है, और बिहार पुलिस द्वारा इनको और इनके बच्चे के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? कैमरा निकाल के ये वीडियो बना रहा है अभी। हाँ, ये छोटा सा वीडियो आपने देखा कि कैसे पुलिस इनके घर पर आती है, और घर पर आते ही इनका बच्चा तुरंत फोन लगाकर उनका वीडियो बनाता है, लेकिन ये पुलिस वाले झपट कर उसके फोन छीन लेते हैं और धक्का मुक्की मारपीट शुरू कर देते हैं। इनके लड़के को, फिर इनकी नायक साहब की पत्नी को खींच कर ले जाते हैं और बाहर लॉन में इनके लात मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, यहां तक कि इनके कपड़े तक फट जाते हैं। पुलिस वालों को ये पता नहीं कि इस घटना में जो दूसरा फोन इनकी बच्ची, जो कि जंगले से उस वीडियो को बना रही थी, वो वीडियो भी मैं आगे आपको दिखाता हूं। यहां मामला क्या था वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग, खासकर पुलिस वालों को मिर्ची बहुत जल्दी लगती है। जैसे कल हम लगातार जो वीडियो डाल रहे थे ना उड़ीसा के, जहां हमारी एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची और एक हमारे सेना में कार्यरत मेजर साहब, जिनको रात को लॉकअप में जिनके साथ मारपीट होती है, और वो बच्ची ने क्या क्या बताया है, पुलिस वाले ने पैंट तक उतारी है, क्या क्या किया है, जो बोलने में भी शर्मनाक हरकत है। लेकिन उसमें बहुत से पुलिस वाले और बहुत से ज्ञानी, इन्होंने तो दारू पी रखी थी, रात को क्या कर रहे थे, फलाना ढिकड़ा, वो चीजें कही हैं, उस चीज की भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां एक चीज कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपके क्या सवाल जवाब हैं, जरा इस पर भी अपना ज्ञान बता दो। मैं हमेशा कहता हूं कि बात उड़ीसा की नहीं है, हिंदुस्तान में पुलिस की हरकतें इसी तरह की है। आगे मैं सारा वीडियो दिखा रहा हूं, घटना क्या थी वो भी बता रहा हूं, लेकिन जो भी हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम तो सही के साथ हैं, बहुत से जो पुलिस वाले, एक पुलिस वाला लड़का कॉमेंट्स कर रहा था, फौजी तो पागल होते हैं, तुम लोगों को सिर्फ हथियार चलाना आता है, पुलिस को हथियार भी चलाना आता है और कानून भी चलाना आता है, तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी इस तरह की घटना हो जाएगी। हालांकि वो नया लड़का था, मैंने देख लिया उसका कहानी क्या है, लेकिन उस लड़के से कहना चाहता हूं कि तेरा जवाब मैं आगे वीडियो में तसल्ली से दूंगा, यहां सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारे पास हथियार है ना, जो फौज ने छोड़ दिए, वो हथियार तुम्हारे पास है। और रही पुलिस वालों ने मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ पति के गैर हाजिरी में जो आकर मारपीट दुर्व्यवहार किया था, उसका शिकायत मैंने अपने फौजी ऑफिसर से भी, सीओ साहब से, कोर कमांडर साहब से, दिल्ली तक, यहाँ तक कि मनोज पांडे साहब का ये ऑफिस तक भी मेरा लेटर गया। हम लोग ने वहाँ पे भी, वहाँ तक गए भी, पर उन सब लेटर का आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और सीओ साहब, कोर कमांडर साहब सबसे जाके मिले, सब अपने सीओ के पास, अपने कोर कमांडर के पास, जहां तक कि सेना अध्यक्ष तक गई है, किसी ने इनका साथ क्यों नहीं दिया। मैं वहां आर्मी कमांडर साहब से पूछना चाहता हूं, जनरल साहब से, कि आज आपने उड़ीसा में भेज दिया, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को भेज दिया, क्यों यहां यह जवान की वाइफ पिटी थी, अगर काश उसी दिन आप भेज देते तो ये घटना नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन जवानों के साथ घटना में अगर आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, तो इनकी औकात नहीं कि ये इस तरह किसी ब्रिगेडियर की बच्ची को या मेजर साहब के साथ कर दें, लेकिन तुमने इनको धीरे धीरे छूट दी, इन्होंने पहले जवानों को मारा और फिर तुम लोगों तक पहुंच गए। इसलिए मैंने कहा था सेना को अपने दायरे से बाहर आकर इनका इलाज करना पड़ेगा। बोलते ना, जब कुछ कुत्ते पागल हो जाते हैं तो उनका इलाज क्या होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको सिखाना पड़ता है। और समय समय पर हमारे पुराने अधिकारी इनको डोज देते थे। जब ये लोग हमारे सर्विंग सोल्जर को मारकर कह सकते हैं कि हम सेना के बाप हैं, उसको मेजर साहब को पकड़कर 10 घंटे रख सकते हैं, उसका अंडरवियर उतारकर उसको नंगा बैठा सकते हैं, मतलब पुलिस वालों को कानून तोड़ने की इजाजत दे रखी है क्या किसी संविधान ने? अगर वो लोग कानून तोड़ सकते हैं, जबकि पूरा संविधान में लिखा हुआ है जय हिंद रविंद्र भैया, आज मैं बहुत उम्मीद से ये वीडियो आपके पास भेजना चाह रही हूँ, हो सके तो वायरल कर दीजिएगा। आपसे
जुड़े, आपके चैनलों से जुड़े हमारे सारे फौजी। ये छोटी सी क्लिप इनकी आपने देख ली होगी। ये नायक साहब की पत्नी आप सबसे अपील कर रही हैं, रविंदर फौजी और ये 8 लाख जुड़े हुए सभी जवान भाइयों से, फौजी भाइयों से, कि आप कम से कम इनका वीडियो वायरल कर दो, इस मुद्दे को हाईलाइट कर दो, या इनके लिए धरना दे दो, कुछ भी दे दो, ताकि उन पुलिस वालों के ऊपर FIR हो सके और कम से कम उनको सस्पेंड किया जाए। उनको आज तक ना सस्पेंड किया गया है ना उनके ऊपर कोई सजा, ये कोर्ट भी जा चुकी है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और उसका कारण क्या है कि पुलिस अपने एंगल से कैसे भी किसी भी प्रकार कानून को तोड़ देती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और हमारे अधिकारी कि हम तो कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, हम कानून से काम करेंगे, हमें पुलिस वालों पर भरोसा है। यही भरोसा रखोगे तो श्रीमान जल्दी ही किसी का भी नंबर फिर आएगा। यहां हमारे में साथियों से कहना चाहता हूं, पता नहीं हमारे अधिकारी कब जगेंगे या ये पुलिस वाले कब सुधरेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे पास एक घातक टीम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि उस घातक टीम का हिस्सा बनकर हम इस अन्याय अत्याचार के लिए लड़ें, तो सबसे पहले चैनल से जुड़ो। आज हम 8 लाख है, अगर आप और 10-10 जो साथी मन से जुड़े हुए हैं, 10-10 बंदे जोड़ोगे तो हम 80 लाख, 100-100 जोड़ोगे तो हम 8 करोड़ होंगे। और एक घातक टीम और इस चैनल को मजबूत करने के लिए, जब कहते हैं किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, बात यहां वही तन मन धन की आती है, तो कुछ लोग यहीं से वीडियो छोड़ देंगे, तो उनको कहना चाहूंगा कि वीडियो को नहीं छोड़ना। आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि कम से कम इस हमारी बहन को इंसाफ मिले। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर, हम तो आपकी घातक टीम का हिस्सा बनेंगे, हम तन मन धन से आपके साथ मदद में जुड़ेंगे भी और मदद करेंगे, तो ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13, 8290-35-45-13। ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। क्यों, बहुत से साथी हमारे को कहते हैं कि सर आपका गूगल पे से हम भेजते हैं, जाता नहीं, तो गूगल पे मेरा, मैं कई आंदोलन जब मैंने दिल्ली से जयपुर किया था तब से बंद है, आज तक खुला ही नहीं है। तो गूगल पे वाले इस बार कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट भेज सकते हो। बहुत से साथी कहते हैं कि हम फोन पे और पेटीएम नहीं चलाते, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600, IFC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंदर सिंह के नाम से SBI का अकाउंट है। आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। अगर आप महीने में भाई 100, 50, 500 या 1000 रुपए दे सकते हो कि हाँ सर मैं आ नहीं सकता लेकिन डोनेट करूंगा और आपके साथ तन मन धन से जुड़ा हूं, तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना डिटेल भेज दो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता तो कि भाई मेरी तो मजबूरी है सर, मैं महीने में क्या 6 महीने भी नहीं दे सकता, मैं कभी भी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप अपना नाम नंबर भेज दो कि सर मैं बाकी तो नहीं लेकिन मेरे स्टेट में, जैसे बिहार में हूं तो मैं बिहार में आ सकता हूं, कोई राजस्थान का हो तो मैं राजस्थान में आ सकता हूं, उड़ीसा वाला उड़ीसा में, कम से कम ये लिखकर डिटेल तो भेज दो, ये नंबर सेव कर लो और मैं आपका नंबर सेव कर लूं, ताकि हम जरूरत पड़े तो आपको याद तो कर लें। लेकिन ना ही हम डोनेशन दे सकते हैं, ना ही हम चैनल से जुड़ सकते हैं, लेकिन समस्या आएगी तो रविंदर सर हमारी भी मदद कर दो। तो फिर जब जिसके नंबर ही नहीं जुड़े हुए हैं, फिर वो रात को मैसेज करेंगे या हाय लिखेंगे, बोला आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, तो वो संभव नहीं है। हमारे से जो जुड़ा हुआ आदमी है उसका कभी भी फोन आता है या तो मैं उठाता हूं या मैं रिप्ले करता हूं। और जो जुड़ा हुआ व्यक्ति के लिए फिर कह रहा हूं कि हमारी जो ये टीम है, भविष्य में तन मन धन से आप जुड़े हो तो तन मन धन से ही हम आपकी सहायता करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, धरना देंगे, कोर्ट जाएंगे, हर संभव आपके साथ रहेंगे। सिर्फ नॉर्मल जुड़े हो तो नॉर्मल, ये चैनल से जुड़ रखे हो तो नॉर्मल, उसी तरह आपके वीडियो के जरिए मदद करेंगे। वीडियो से भी बहुत कुछ होता है, जैसे अभी बहुत से पुलिस वाले जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको मिर्चियां लग रही है ना, उन सब की हालत वीडियो से भी टाइट हो सकती है अगर आप संगठित रहो तो। लेकिन वीडियो से भी कुछ नहीं होता, ग्राउंड में भी आ नहीं सकते, चैनल का भी सपोर्ट नहीं कर सकते, बस बातें करवा लो और कंबल ओढ़कर सो जाओ। कभी सर वो तो अधिकारी है, वो तो दारू पी रखी है, वो जवान है, अधिकारी कहेंगे हम जवान के लिए क्यों जाए, जवान कहेंगे हम अधिकारी को, इस तरह अगर बट के रहोगे, वो बोलता है जो बट गया वो कट गया, बोलता है गब्बर सिंह क्या कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। अगर डरेर बोलते हैं कायर, डर डर कर 100 बार मरते हैं, और जो बहादुर होता है वो मूंछों को ताव देकर जिस दिन मरेगा उस दिन भी हंसी ऐसी रहेगी कि हाँ हंसते हैं जाए, ठीक है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं, पुलिस अपने लिए दुनिया भर के कानून तोड़ रही है, गलत काम कर रही है, और ये उन्हीं पुलिस को बचाने के लिए इनके हर आदमी इनके साथ लग जाता है, लेकिन हमारे
क्या हालात है आपको बताइए। आपको अगर चाहिए कि भाई लड़ाई लड़नी है और मजबूती से हम लड़ सकते हैं तो तन मन धन से मदद करो। जब हम कोई कहीं भी आपको लगता है कि मैं बिहार का हूं तो मैं बिहार आ सकता हूं, मैं उड़ीसा का हूं तो मैं उड़ीसा पहुंच सकता हूं, मैं राजस्थान का, तो वो आदमी हमारे से जुड़े। आप तन मन धन से मदद नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल से लोगों को जोड़ दो, किसी तरह तो हमारा सपोर्ट करो, वरना अगला नंबर आपका भी आ जाएगा। पैसे कमा सकते हो लेकिन इज्जत नहीं कमाई जाती है। इस महिला ने जो शब्द कहे ना कि वो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि सर राजीनामा कर लेंगे हम तो हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन ये महिला कह रही कि मैं मेरे सम्मान से समझौता नहीं करूंगी, सर आप मेरा साथ दीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। एक महिला लड़ सकती है, लेकिन हमारे कायर कमेंट्स लिखते हैं कभी दारू के नाम पर, साहब वो तो दारू पी रखी थी, वो ऐसा था, वो पैसा था, अधिकारी कहेंगे जवान है, जवान कहेंगे अधिकारी है। इसी तरह अगर करते रहे ना तो भैया सबका नंबर आएगा। और ये जो भोंगने वाले कुत्ते हैं ये हमें भी सोचेंगे कि किसी तरह रविंद्र फौजी को भी बोलते हैं आप क्यों इन चक्रों में फंस रहे हो, मतलब हमें उल्टा गाइड करेंगे, अब सर का है तुम मत जाओ, वो दारू पे रखी थी तुम मत जाओ, कुछ हमारे ही टांग खींचेंगे। तो इस तरह भैया अगर कोई गलत आदमी हमारे से जुड़ गया हो तो चैनल छोड़कर जा सकता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। और जो पुलिस वाले, मैं फिर कह रहा हूं, जो अच्छे लोग हैं और आप चाहते हो कि आपके डिपार्टमेंट की भी इज्जत है, तो इन गंदी मछलियों पर कार्रवाई करो, ना कि इनका तुम सपोर्ट करो। ऐसे लोगों का सपोर्ट करोगे तो डिपार्टमेंट बदनाम होगा ही होगा। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले उन लोगों को ठीक करो जो 10-10 रुपए में रेडी रिक्शा वगैरह में बिकते हैं। या जो वो कह रहा था ना जवान कि फौजियों को आता क्या, फौजी तो पागल है, सिर्फ हथियार चलाना आता है, और हम हथियार भी चलाते हैं और कानून भी जानते हैं। तो उसको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि रविंद्र फौजी चैलेंज देता है किसी भी थाने के SHO की ड्यूटी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस SP की ड्यूटी दे दे मेरे को, और मैं वादा करता हूं 1 महीने के अंदर क्राइम फ्री कर दूंगा उस एरिया को। अगर आज एक SP सही ड्यूटी करे, अगर एक SHO सही ड्यूटी करे तो मजाल क्या है कि उस एरिया में कुछ हो जाए। लेकिन तुम्हें खुद 2 नंबर की बंदी चाहिए, 2 नंबर वालों धंधों से तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें वो खुद एक पुलिस वाले ने वीडियो वायरल किया था ना कि जब तक शाम को 4-5 हज़ार रुपए जेब में नहीं आते थे ड्यूटी छोड़ के ही नहीं जाते हैं। वो चीजें अगर चाहे तो तुम्हारा अधिकारी, तुम्हारा SHO SP ठीक कर सकता है, और नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं 1 महीना कहीं भी ड्यूटी दे देना, अगर जहां तुम्हें लगे ना कि वहां काबू में नहीं हो रहा वहां रविंद्र फौजी को बैठाना, किसी भी स्टेट में जिसको लगता है कि बहुत बड़े से बड़े गुंडे हैं, 1 महीने के अंदर अगर उनके घुटने नहीं टिका दिए तो मेरा नाम बदली कर देना। और जो जिस हथियार की बात करता है ना कि हम हथियार भी चलाते हैं और कानून भी जानते हैं, तुम्हारे पास वो हथियार आते हैं जो फौज ने कई सालों पहले छोड़ दिए चलाकर, फौज के पास जो हथियार है उसकी ABCD भी तेरे को नहीं पता है। और जब तुम्हारी कहीं प्रॉब्लम और फटना शुरू होती है ना, जैसे चाहे मुंबई का कसाब का हमला ले लो या कहीं भी, तुरंत बोलते हो हमें सेना की मदद चाहिए, और वहां आकर सेना और कमांडो आकर जान बचाते हैं तुम्हारी भी और देश की भी, पेंट में पेशाब आ जाता है 4 गोलियां चलते ही। तुम सिर्फ इस तरह जवानों को देखोगे ना, फौजी है लिया दे लठ, नियत्ते के ऊपर लठी मार सकते हो, सेल में बंद कर करके बच्चों की तुम पेंट रिमूव करवा सकते हो, उनके ब्रेस्ट पे लात मार सकते हो, ये घटियागरी तुम्हारी है। और फिर तुम कहते हो कि हम फौज की बराबरी करेंगे, रेडी रिक्शा से डंडा मार मार कर 10-20 रुपए वसूल करते हो, फिर चाहते हो कि तुम्हारी इस वर्दी की बराबर इज्जत हो। इज्जत करनी है तो अपने डिपार्टमेंट के सुधारो, और नहीं तो रविंद्र फौजी के तुमने सिर्फ एक दो ही वीडियो देखे होंगे, इस चैनल में 1000 वीडियो पड़े हुए हैं। मैं सबसे ज्यादा वीडियो मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए बनाए हैं, चाहे वो हमारे सहायक प्रथा के मुद्दे हों, चाहे शोषण के मामले हो, अन्याय अत्याचार के, सबके खिलाफ बोला हूं। ये नहीं सोच रहे ना कि रविंद्र फौजी ने आज पुलिस के लिए बोला है, मेरे लिए चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो या हमारी सेना का जवान हो, सब बराबर है। हर एक जवान पुलिस के जवानों की भी आवाज उठाई है, जो थोड़े दिन पहले पुलिस का जवान नहीं घूम रहा था, खाना ठीक से नहीं मिलता, ये ड्यूटी करते हैं, उनकी भी आवाज उठाता हूं, सही के लिए लड़ता हूं। और मैं फिर कहता हूं अगर तेरे को लग रहा है तेरी ड्यूटी कहीं की भी दे देना, मेरे को ही नहीं कोई भी फौजी कर लेगा, विश्वास है मुझे अपने फौजियों पर। और तुम्हारे में से अगर कोई बहुत बड़ा फन्ने का बन रहा है तो भेज देना हमारे साथ एक बार बॉर्डर पर, लेह लद्दाख में या ग्लेशियर में, जहां सांस भी लोगे ना या पेशाब भी करोगे तो वो भी बर्फ बनकर निकलता है। 1 महीने के अंदर ताबूत में नहीं आओगे तो मेरा नाम बदली कर देना, पंगे ले, क्योंकि मेरे को पता है वो नया नया एक लोंडा है जो कमेंट्स कर रहा है,
अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन की गई और की है, और उसने पुलिस वालों का रवैया देखा है कि हम तो क्यों राउडी में वो किसी को भी केस डाल दो, किसी को भी कूट दो, किसी को भी फंसा दो, तो वो वही सीख रहा है। ये सेना नहीं होगी ना तो तुम्हारी यही जीरो हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा इसको। मतलब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस महिला का वीडियो देखें और हमारे आर्मी अधिकारी इनका सपोर्ट करें, और जल्दी ही अगर हमारे पास सपोर्ट आता है, उन लोगों को आज तक FIR नहीं हुई, सस्पेंड नहीं हुए, उल्टा इन्हीं को जेल में डाला गया, हम इनके सपोर्ट के लिए जल्दी ही बिहार पूछ करेंगे, हमारी टीमों से बात करेंगे। लेकिन उसके लिए वही है, तन मन धन की जरूरत पड़ती है। तो आप सपोर्ट करोगे तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करोगे तो हम भी वीडियो डालकर चार दिन हाउ लड़कर करें, हम भी चुप बैठ जाएंगे। फिर हमें दोस्त हो गए, सिर्फ वीडियो बनाते हो, कुछ करते नहीं हो। मेरी इतनी हिम्मत तो है बोल रहा हूँ इनके खिलाफ, अरे तुम तो वीडियो ही आदमी, अगर ये वीडियो के जरिए भी आसपास के लोग संगठन बनाकर लड़ना शुरू कर देना तो किसी की मजाल क्या, कोई फौजी को छेड़ दे। लेकिन ना वीडियो शेयर कर सकते हो, ना तनमन धन से मदद करते हो, और फिर उंगली उठाते हो। वीडियो देखो और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद रविंद्र भैया। आज मैं बहुत उम्मीद से ये वीडियो आपके पास भेजना चाह रही हूँ, हो सके तो वायरल कर दीजिएगा। आपसे जुड़े, आपके चैनलों से जुड़े हमारे सारे फौजी भाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रही है, जैसे हो सके तो वीडियो वायरल करवाइए। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुकी हूँ, ना तो मेरे फौजी अधिकारी कोई मदद करने को तैयार है, ना पुलिस वाले सीनियर अधिकारी कोई सुनना चाहते हैं। बहुत पहले मैं 2023 में लगभग आपके पास एक वीडियो और भेजी थी इसी घटना का, तो वायरल करवाए थे आप, कुछ किए थे मेरे लिए, लेकिन बाद में वो फिर बंद हो गया। तो कृपा कर मेरा ये वीडियो वायरल करवाइए मेरे फौजी, हम फौजी भाइयों द्वारा, जैसे हो। जय हिंद रविंद्र भैया। आज मैं बहुत उम्मीद से ये वीडियो आपके पास भेजना चाह रही हूँ, हो सके तो वायरल कर दीजिएगा। आपसे जुड़े, आपके चैनलों से जुड़े हमारे सारे फौजी भाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रही है, जैसे हो सके तो वीडियो वायरल करवाइए। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुकी हूँ, ना तो मेरे फौजी अधिकारी कोई मदद करने को तैयार है, ना पुलिस वाले सीनियर अधिकारी कोई सुनना चाहते हैं। बहुत पहले मैं 2023 में लगभग आपके पास एक वीडियो और भेजी थी इसी घटना का, तो वायरल करवाए थे आप, कुछ किए थे मेरे लिए, लेकिन बाद में वो फिर बंद हो गया। तो कृपा कर मेरा ये वीडियो वायरल करवाइए मेरे फौजी, हम फौजी भाइयों द्वारा, जैसे हो। और हाँ, एक चीज़ बहुत से साथी कहेंगे कि सर आपने वो वीडियो डाला ही नहीं, तो उस वीडियो में इनके साथ जो मारपीट की जा रही है, इनके जो कपड़े फाड़े गए हैं, वो वीडियो मैंने पहले इसी चैनल में डाला हुआ है, जिसमें यूट्यूब ने एक बार उसको रिमूव कर दिया था, लेकिन मैंने फिर डाला हुआ है। आप चाहो तो इस चैनल पर जाकर रविंद्र फौजी के नाम से सर्च कर वो वीडियो जाकर देख सकते हो। आज मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि फिर वो इस वीडियो को भी रिमूव कर देंगे, या फिर इसमें 18 प्लस का वो लगा देते हैं जिससे वीडियो सब लोगों तक जा नहीं सकता है। ठीक है, रही बात मामला क्या था, झगड़ा इनके पड़ोसी का था, जिसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, इनका क्या विवाद है कुछ नहीं है उसके लिए मैं ना ही तो उसके लिए कहूंगा कि क्या कहानी थी, वो खुद जवाब देंगे। लेकिन पुलिस उनसे पैसा खाकर जिस प्रकार का एक सैनिक की पत्नी के साथ जो व्यवहार किया है, हम चाहते हैं उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। और ये भी वही जा रही है कि वो पुलिस वाले माफी मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन मैं अपने सम्मान से समझौता नहीं करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके अलावा भी अगर किसी को लगता है तो मैं इसी चैनल के जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको वीडियो देखना है तो, या फिर मेरा यही नंबर से आप मेरे को मैसेज कर देना, वो वीडियो मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगा अगर आपको देखना ही है तो। बहुत से लोगों ने कल मेरे को उड़ीसा के वो भी वीडियो मांग रहे थे, ऐसे ही बस मैंने कहा था कि जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है या जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, वो मेरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही मांग सकता है। ऐसे नहीं तुमने आज तक कभी जुड़े नहीं है, वो वीडियो भेज दो, क्या करोगे भाई, उसका पर्पज बताओ। अगर तुम कुछ कर सकते हो उनके लिए तो वीडियो में भेज दूंगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं, देखने के लिए सर मेरे को देखना है तो मेरे इसी चैनल में जाकर देख लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा। ये आप जो देख रहे हो ये वो वाला वीडियो है। ठीक है दोस्त।